अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मियाँ एहसन और आप देख रहे हैं टेक डोनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस डिटेक्शन के बारे में। अक्सर दोस्तों, जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो हमारी फाइल जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है और हमें नोटिफिकेशन ये देता है कि वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड, यू कॉन्ट डाउनलोड दिस फाइल। ये मसला जो है वो ज़्यादातर क्रैक फाइल्स में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे पास मेगा में एक फाइल जो है वो पड़ी हुई है जिसको मैं डाउनलोड करता हूँ। चलिए डाउनलोड स्टार्ट करते हैं और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये फाइल जो है वो रिमूव क्यों होती है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में हमारे विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर। इसका काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर में किसी किस्म का भी इस तरह का कोई स्टफ पड़ा हो जिसको कंप्यूटर वायरस समझता है, उसको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। अगर हम कोई क्रैक फाइल जो है वो डाउनलोड करते हैं, क्रैक फाइल जो है वो सिस्टम क्रैक फाइल को समझता है कि ये वायरस है, इसी वजह से दोस्तों ये रिमूव कर देता है। तो इसका आज हम सलूशन करते हैं। जो डाउनलोड मेरी है कंप्लीट हो चुकी है, आप नीचे देख सकते हैं कि डाउनलोड फेल्ड आ रहा है और ज़्यादा दिखा रहा है कि वायरस डिटेक्टेड। तो फाइल देख सकते हैं दोस्तों, फाइल फेल्ड और वायरस डिटेक्टेड जो है वो शो कर रहा है। इसका सलूशन दोस्तों बहुत सिंपल सा है। आपने करना क्या है, आपने सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर एंड पर देख सकते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है प्रोटेक्शन एरियाज। प्रोटेक्शन एरियाज में अगर आप देखते हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, यहाँ पर आपने मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन, इन सारों को आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन इसको भी आपने ऑफ कर देना है। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैम्पल सबमिशन, टेम्पर प्रोटेक्शन, ये सारी जो है आपने ऑफ कर देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा होगा कि वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन जो कि टर्न ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर जो मेरी फाइल है उसको मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।